नवादा पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब को ट्रक से झारखंड के बासोडी के रास्ते लाया जा रहा था, जिसे गोविंदपुर चौक से पुलिस ने जब्त कर लिया। मौके से ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ चल रही है। चालक बजरंगी यादव गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना इलाके का रहने वाला है। तो नवादा से ये खबर सामने आई है, जहां पर 1 करोड़ की कीमत की जो है शराब है वो बताई जा रही है, और इस मौके पर जो ट्रक चालक है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार पूछताछ चल रही है और झारखंड के रास्ते ये शराब जो है वो लाया जा रहा था। हालांकि पुलिस की तत्परता से छापेमारी की गई और 1 करोड़ की कीमत की ये जो शराब है वो बरामद कर ली गई है। इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए नवादा से संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, 1 करोड़ की कीमत बताई जा रही है, लगातार शराबबंदी की नकेल कसी जा रही है, फिर भी जो है शराब बरामद किए जा रहे हैं। जानना चाहेंगे पुलिस को यह सफलता कब और कैसे लगी? मनोज, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए अपने संवाददाता से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें हैं एक बार फिर से हम आपको ये बता दें चले कि नवादा से जो खबरें सामने आई है वाकई में एक बार फिर से शराबबंदी की जो पुल खुलती हुई नजर आई, क्योंकि शराबबंदी तो है लेकिन रोज इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने देखे जा रहे हैं।